सरकार की नीति के कारण कच्चा माल मिलने में दिक्कतें, नरेश पुगलिया। बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा द्वारा भव्य धरना आंदोलन। मांग की वन विभाग पेपर मिल उद्योग को चालू रखने के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाए। बल्लारपुर राज्य रिपोर्टर न्यूज। बल्लारपुर पेपर मिल को हर महीने 80,000 टन व साल अंदाजा 10 लाख टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। पेपर मिल 600 करोड़ रुपए का हर वर्ष कच्चा माल खरीदी करता है। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल 2014 तक उपलब्ध था। हालांकि 2014 के बाद तत्कालीन सरकार की नीति के कारण कच्चा माल मिलने में दिक्कतें आने लगी। परिणाम स्वरूप पेपर मिल को जारी रखने के समय में एक बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चंद्रपुर जिले के माजी सांसद तथा बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा अध्यक्ष कामगार नेता श्री नरेश पुगलिया ने आज पेपर मिल तिनका गेट के सामने इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक दिवसीय धरना दिया और मांग की वन विभाग पेपर मिल उद्योग को चालू रखने के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराने के लिए तत्काल कदम उठाए। पेपर मिल को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ वन विभाग को करोड़ों का लाभ भी हो सकता है। अन्य राज्यों में वन विभाग स्वयं बड़े पैमाने पर वन भूमि पर सुब्बूल नीलगिरी का पौधारोपण कर कागज उद्योग को सहयोग कर रहा है। दिनांक 13 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 को बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा की ओर से महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और बल्लारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और जिले के पालक मंत्री और राज्य के वन मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार को प्रार्थना पत्र देकर कच्चा माल उपलब्ध कराने की मांग की गई। लेकिन मुख्य वन संरक्षक इस मांग को अनसुना कर रहे हैं। यह आरोप बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा अध्यक्ष कामगार नेता नरेश पुगलिया ने लगाया। चंद्रपुर जिले के माजी सांसद तथा बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा अध्यक्ष कामगार नेता श्री नरेश पुगलिया ने आज दिनांक 9 अगस्त 2024 को पेपर मिल तिनका गेट के सामने इंदिरा गांधी स्टेडियम आइडियल स्कूल के प्रांगण में भव्य धरना दिया ताकि स्थानीय विधायक एवं राज्य के वन मंत्री इसके सुचारू संचालन के लिए तत्काल समस्याओं के समाधान हेतु पहल करें। वह उद्योग जो हजारों परिवारों को काम प्रदान करता है। इस धरना विरोध प्रदर्शन में बल्लारपुर पेपर मिल मजदूर सभा के अध्यक्ष नरेश पुगलिया, रामभाव टोगे, नासिर खान, वसंत मानधरे, तारा सिंह कलसी, रामदास वागदरकर, वीरेंद्र आर्य, गजानन दिवसे, अनिल तुंगिद्वार, सुभाष माथनकर सहित सैकड़ों कर्मचारी उपस्थित थे।